अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। चितकोर ब्लॉक मानिकपुर, मानिकपुर का नया चंद्रा गांव है, वहां पे है लगभग सड़क से हजारों आदमी निकलते हैं। वहां पे राजापुर मानिकपुर सरैया के लिए कट रास्ता है, वहां पे लोग आते जाते हैं। वहां पे सड़क की इतनी स्थिति है कि वो लगभग 20 साल से आधी डमरीकरण है, आधी नहीं हुई। और वहाँ के लोग कहना है कि काफी शासन प्रशासन, वहाँ से शासन प्रशासन भी निकलती है, अभी तक ध्यान नहीं दिए। तो कितने साल से सड़क पड़ी है? 15 साल से खराब। तो क्या क्या दिक्कत होती है? निकलने में दिक्कत होती है। अरे हमारे लोग गाड़ी नहीं निकल पाती है, जानवर नहीं निकल पाते हैं, आदमी नहीं निकल पाते इस रोड से। और ये अब जो है 20-25 साल पहले प्रधान ने मोरम डलवा दिया था, उसके बाद कुछ हुए नहीं इसमें। तो कभी आप लोग मांग नहीं किए? हम लोग सबसे मांग कर चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं। या कोई यहाँ पे सांसद विधायक मीटिंग में आओ, चुनाव के बारे में आए होंगे, वो सब आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं। ये 2 किलोमीटर है। कब से पड़ी हुई है ऐसे? ये जब से गांव यहाँ आया, विस्थापित किया गया है मोहन बांध से, उसके बाद से ये इसी तरह पड़ी है। पत्थर उत्थर डलवा दिए गए हैं, डामरीकरण अभी तक नहीं हुआ। तो कभी आप लोग मांग नहीं किए किसको डामरीकरण होना चाहिए? मांग किए हैं, इसके बावजूद भी नहीं है बन रही, क्या करें। तो इसमें कितने लोग आते जाते होंगे? इसमें पूरे गांव का निकास है, मेन रोड है। यहाँ निकालने के लिए जगह नहीं, गाठी भर पैर घुसते हैं। तो कब से परेशानी है? ये परेशानी तो मान लो कि वैसे तो ठोकर रहता, लेकिन बरसात में भारी प्रॉब्लम। अब जाएंगे तो अब कपड़ा गंदे होंगे, धुलना पड़ेगा, ये रोज की दिक्कत है। तो रोज जो कपड़ा धुलते तो सूख जाते हैं रोज पहनने के लिए? कुछ तो दो सेट है, तो एक सेट जैसे आप धुने तो उससे पहन लेते हैं, फिर ये परेशानियाँ और क्या। प्रयास एक बार मैं जब वो DM मोनिका रानी थी, तब एक दो बार जो है उनको दिया गया है, अपने लेटर पैड में दिया हूँ, लेकिन अभी आज तक कुछ हुआ नहीं। अब तब से फिर कुछ आप प्रयास किए सांसद जी को? सांसद जी आए थे यहाँ नया चंद्रा प्राथमिक विद्यालय में, तो उनसे ये बात कही गई थी। तो क्या बोले? कुछ हुआ नहीं अब, ये तो मैडम इतना याद नहीं है क्या बोले। आश्वासन दिया था कि नहीं हो जाएगा। पूरे जिले की माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक हुई है, और उस बैठक में माननीय सांसद जी ने ये लोक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग के दोनों खंडों को, DM जसवाई और जिला पंचायत के अधिकारियों को ये सख्त लहजे में कहा है कि जो भी सड़कें पड़ी हैं अधूरी, उनको पूरा किया जाए, जिनमें गड्ढे हो गए हैं उनके गड्ढे भरवा करके गड्ढा मुक्त किया जाए। और उसका बहुत बड़ा खाका माननीय सांसद जी ने निर्देशित किया है और नोट भी करा है कि ये तो इसमें इसको भी दिया गया है, और इसको आला अधिकारियों से बात करके इसको इसका जो है एस्टीमेट बनवा करके इस काम को पूरा करवाने का पूरा प्रयास किया। ये बुंदेलखंड विकास निधि में 16-17 में सेंक्शन है, जिसपे पहले बजट नहीं मिला था। अब इस साल इस पर कुछ बजट मिला है, तो अभी इस पर काम हम चालू कराने जा रहे हैं, जो भी गड़बड़ है उसको ठीक कराएंगे। तो लगभग कब तक में काम शुरू हो जाएगा? ये काम बहुत जल्दी 8-10 दिन चालू हो जाएगा, और अक्टूबर तक इसको पेंट करा देंगे, अक्टूबर तक बारिश के बाद पेंट करा देंगे।